नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग मैनेजमेंट में। किसान भाइयों, ये जो आप सोयाबीन देख रहे हैं, ये इस बार हमने नई वैरायटी का ट्रायल किया है, तो आपको वीडियो में बताएंगे कि कौन सी वैरायटी है और कितने किलो प्रति बीघा का हमने इसमें बीज डाला है। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। किसान भाइयों, आप ये जो वैरायटी देख रहे हैं, ये है आपने RESM की 1135, जो कि काफ़ी शानदार वैरायटी है और इसकी सोयाबीन की आप बढ़वार देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। अगर मैं बात करूं तो यह 25 जून की बोवनी हमने इसमें करी थी और आज है 26 जुलाई, तो लगभग एक महीना और एक दिन की हमारी ये वैरायटी हो चुकी है। तो किसान भाइयों, एक महीने में काफ़ी अच्छी हाइट ले ली इसने और इसमें अगर मैं खर्च की बात करूं तो हमने 5 बीघा में 1 कट्टा DAP का दिया है और उसके बाद सिर्फ 1 दवाई का स्प्रे किया और इसकी बढ़वार आप देख सकते हैं RESM 1135, जो कि इस बार काफ़ी किसान भाइयों ने लगाई है। पिछले साल काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था और इस बार भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, इसकी अगर मैं बात करूं तो अभी तो फ़िलहाल मुझे इसमें कोई इल्ली विल्ली का प्रकोप नज़र नहीं आ रहा है। ये लगभग 100 दिन ऊपर की वैरायटी है और आप देख सकते हैं, मतलब ज़्यादातर ये जो सफ़ेद कीड़े हैं ये नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी किसान भाई अभी इसमें गटल बिटल इल्ली का स्प्रे कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक सही भी है। लगभग एक महीने या 40 दिन के बाद हमको स्प्रे ज़रूरी हो जाता है इस पर। तो किसान भाइयों, आपको सोयाबीन की ये वैरायटी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये हमने 20 किलो प्रति बीघा का बीज इसमें डाल रखा है और इसकी अगर मैं फुटाव की बात करूं तो लगभग मैंने जितनी वैरायटी आज तक बोई है उससे काफ़ी ज़्यादा इसका फुटाव हमें देखने को मिला। तो एक बात तो ये इसका प्लस पॉइंट है और दूसरी बात ये है कि जो अपनी पिचानुसार जो वैरायटी होती है उसका जो कलर होता है उसके मुकाबले इस 1135 RESM 1135 का कलर हमें देखने को मिला है, जो एक सदाबहार वैरायटी हम बोलते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें अभी फ़िलहाल तो हमें जो रस चूसक कीट है उनकी रोकथाम के लिए एक स्प्रे कल करना होगा, जो कि हल्का स्प्रे होगा, तो लगभग हम 1-2 दिन में उसका भी निदान करेंगे। तो मैं आप आज ये सोयाबीन देखने आया था, लगभग 2-4 दिन बाद ही आया हूँ, तो मतलब काफ़ी ग्रोथ नज़र आई मुझे, तो मैंने सोचा आप किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बना देता हूँ। तो आपका अपने क्षेत्र में सोयाबीन का क्या स्टेटस है ये आप हमें ज़रूर बताएँ। और हमारे यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार से है। किसान भाई, जो हमने इल्ली की जो मतलब सॉरी कीटनाशक वो खरपतवार नाशक की जो दवाई का स्प्रे किया था उसका सोयाबीन पर बिल्कुल भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब जो काफ़ी किसान भाई होते हैं जिनकी सोयाबीन की हाइट कम हो रह जाती है, तो ऐसा तो कुछ इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो सफ़ेद कीट है ये इस पत्ते को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब पत्ते काट रहे हैं। तो आज खेत में आने के बाद पता चला कि अपनी फसल में कुछ इस प्रकार के सफ़ेद कीट है, तो एक तरह से हमें गटल बिटल की जो रोकथाम है उसका स्प्रे हमें लगभग आज या कल में करना ही पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति है RESM 1135, जो मतलब रिकमेंड अगर मैं बात करूँ जो जिन्होंने इनका ट्रायल किया वो बोलते हैं कि इसको 15 किलो प्रति बीघे का बोना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही भी है क्योंकि इसका फुटाव काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये जो पौधा है ये कुछ इस प्रकार से इसके काफ़ी पत्ते निकल रहे हैं, मतलब शाखाएँ निकल रही है, तो काफ़ी फुटाव लेगा। अगर मैं पास में अगर पौधे हैं तो उनका भी फुटाव काफ़ी है, तो ऐसा लग रहा है कि हाइट भी ज़्यादा है इनकी और फुटाव भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इस बार तो हम थोड़ी गलती कर बैठे, बीज थोड़ा हमने ज़्यादा ही डाल दिया 20 किलो प्रति बीघे का, और
क्योंकि किसान भाई हो, मैंने मेरे पास 100 किलो पर 20 था 1 क्विंटल, तो ये 5 बीघे का एरिया है, तो इसमें मैंने 100 किलो मतलब 1 या 2 किलो बीज ही बचा था, तो हम मान सकते हैं कि 100 किलो का बीज ही हमने 1 क्विंटल बीज इसमें डाल दिया, जो कि अगर सही मायने में देखें लगभग 20-30 किलो बीज और बचना चाहिए था। तो कोई बात नहीं किसान भाइयों, अगली बार ध्यान रखेंगे, हमने भी ये पहली बार ही वेराइटी लगाई है और काफ़ी मतलब चर्चा सुनी थी इस वेराइटी की, काफ़ी अच्छी वेराइटी है, तो वो तो पता लगाने के बाद ही चलता है। तो किसान भाइयों कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जुड़े रहिए।